तो दोस्तों आज है हमारा डे 3 और हम जन्नत में खड़े हुए हैं, मतलब चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ हमारे, और हम लोग यहाँ पर फुल नाव आगे सेट है, कपड़े वपड़े पहन के हम यहाँ से अब नीलगढ़ के लिए निकल रहे हैं बस। तो हम फोटो वोटो खिंचाने की छत पे आए हैं, तो हवा भाई इतनी तेज चल रही है कि मैं रुका नहीं जा रहा, उड़े जा रहे हैं हम लोग। आज के कपड़े हमारे ये मैंने पहन रखे हैं, उधर दे दिए, बहुत सही हवा चल रही है। अब यहाँ पहाड़ों में जाएंगे और ऊपर जाएंगे, नीलकंठ में चलेंगे, वो देख रहे हो पहाड़ पीछे वाला, शायद इसी से जाना पड़ेगा हम लोगों को। हाँ तो दोस्तों हम लोग अब निकल चुके हैं अपने होटल रूम से नीलकंठ के लिए। होटल मतलब काफी मतलब हमारे को ब्लॉगिंग सिखा रही। हाँ मतलब हमारे आज तक एक वृंदावन का ब्लॉग बना दिया ना हमने इसका, तो हमने आपको ब्लॉगर समझ रहे। दो रूम लिए इन्होंने, मतलब हम लोगों ने, बढ़िया थे रूम। क्या अगर आप ना ऋषिकेश आ रहे हो और रूम वगैरह नहीं मिले तो ना रूम अगर नहीं मिल रहे तो होटल प्रकाश है गली में जाके, राम झूला के जस्ट उसी वाली रोड पे है। मैं नीचे कैप्शन में आपको एड्रेस दे दूंगा। टेरेस कितना प्यारा है भाई, टेरेस इतना प्यारा है ना, मजा आ जाएगा। ज्यादा महंगा भी नहीं। हाँ हमें 4,000 में दो रूम, दो हजार रूपए का एक रूम पड़ा हमको। अभी तो तुमने पिछले ब्लॉग में 10,000 रूपए का रूम, वो मैं कट कर चुका हूँ ना। हाँ कितनी वो चार्ज वार्ज कितना लेती है? 250 रूपए लेती है भैया पर बंदे। मिल जाएगी, छोड़ दोगे यहाँ तक भैया? तो हम लोगों को रिक्शा मिल गया, हम पहले जाएंगे राम झूला, देन हम जाएंगे फिर, ठीक है, फिर हम जाएंगे, कहाँ जाएंगे हम, वहाँ से टैक्सी लेंगे फिर नीलकंठ के लिए निकलेंगे। बैठो ना इधर, देखो देख लो ना इधर। तो दोस्तों हम लोगों को मिल चुकी है टैक्सी, हमने नीलकंठ के लिए टैक्सी ले ली है। अब हम देखते हैं, 27 किलोमीटर की चढ़ाई है यहाँ से। हाँ अब दिखाता हूँ आपको रास्ता पूरा। थोड़ा सा ट्रैफिक लग रहा है यहाँ पर अभी भी, नहीं ट्रैफिक नहीं है तो चलता फिरता जाना। महादेव के हम दीवाने, उत्तराखंड के राजा बंदी ना लेके आजा।
रोने तो भाई रोने वाले को मैं चुप नहीं करा था कभी। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं नीलकंठ मंदिर। हम नहीं दिखते हैं, हम तो केदारनाथ आए थे। तो हम लोग पहुंच चुके हैं नीलकंठ मंदिर। अभी हमें थोड़ा पैदल चलना है यहाँ से। देखते जी आप आ गए। जीजा जी का होटल होटल में छोड़ के आ गए हम। जीजा जी को जीजा जी आप आ गए। जी मुझे लो ना साथ में तुम क्यों। यार रेखा क्या लो आ रहे तो बारात आने वाली होगी। तो आना आगे बारात आने वाली होगी। इन लोगों को इतना लग रहा है कि हमें क्यों नहीं ले रहा, हमें नहीं ले रहा। आओ ना जीजा जी आ गए। अरे तू हट यार, ये आओ ये। और जब व्लॉग देखोगे ना उसके अंदर तुम ही तुम दिखोगे हर जगह। जितना टाइम लगाओगे ना उतना ही लेट होगे। हाँ तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं नीलकंठ पे। बीच में रुके हम लोग कुछ खाने वाने के लिए, नाश्ते के लिए, क्योंकि हमने सुबह से नाश्ता नहीं करा है। और मैंने इससे पूछा कि कोक है कि नहीं। कोक है यार, दिख नहीं रहा क्या? कोई ना कोक तो होगी। तो हमने सबने कोई आलू प्याज का पराठा खा रहा है, कोई आलू का खा रहा है। यार वाई नॉट, चाय तो चाय भी चाहिए भैया। तो इतनी भी नहीं पीनी चाहिए ना, पराठे के साथ तो ज़्यादा मिक्स कर हो जाता है। नेहा आ जा फिर मत बोलियो। ठीक है दीदी आ जाओ। नहीं राजा गुड मॉर्निंग हो गई आपकी हैं? राजा बोलो गुड मॉर्निंग। राजा ओए ओए मन्नू, राजा बोलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग राजा कुछ ही करो। एक मॉर्निंग बोल रहा हूँ राजा, कुछ ही करो। एक कुछ ही करना ये बहुत ना स्मूथ ही कैसे करी इसके होटल चोट से इतने फील हुए यहाँ पे गीले गीले से हैं। राजा पूछी करने हाँ मन्नू के पास चलेंगे। ऑन अब गई और आप कर दोबारा दे राजा, मैं भी दे दूँ राजा। दोस्तों हम लोगों ने पराठे वराठे खा चुके हैं। ये इनके अलग से हमारे से ये मैगी खा रही है। ये देखो अभी अमन ने दो पराठे खाए, एक ब्रेड पकौड़ा खाया प्लस पेप्सी पी। मैंने दो पराठे, नेहा ने एक आलू प्याज का पराठा, इन्होंने पराठा खाया एक वो खाया नहीं नहीं और उन्होंने चाय पी है। अभी हम लोग प्रसाद ले रहे हैं राजा का। देखो कर दिया काम। हम गाइस प्रसाद ले रहे हैं अभी। हमने राजा ये पियो अपनी फूटी 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 पियो फूटी पियो भाई। पी लो यार। नहीं 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 लेट जाओ राजा, लेट जाओ लेट जाओ। हेलो बोलो, हेलो हेलो बोलो, हेलो राजा हेलो बोलो। ओए हेलो बोलो कैमरे में देखे, बोलो हेलो। और देना किसी को। चलो भाई चलो भाई चलो 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 भाई चलो चलो चलो। भाई जरा नीलकंठ मंदिर सही एग्जिट है, अब एंट्री आगे से लेनी है। देखो गाइस नीलकंठ मंदिर चढ़ाना भाई, प्रसाद सा लेके जाओ। राजा कंधे में बैठ के जा रहे चाचू के। आके देना आके लिया ना वहां से बोले करके आके लिया ना मंदिर से आके दे देना पैसे। मन मन में बोलती रहती है चलना मैं बोलो। हाँ बोलो बोलो नेहा बोलो। हेलो गाइस ये मेरी सिस्टर है। हाँ ये मुड़ के देखती नहीं है, बाद में बोलती है।
और ये इन लोगों की यात्रा हो रही है। ये मेरा कछुआ, ये इनकी यात्रा हो रही है। अरे सो जा बा, वो आगे जाना। तुझी तो हम लोग नीलकंठ मंदिर की लाइन में लगे हुए हैं, काफी ज्यादा भीड़ है यहाँ पे। हम लोग लाइन में आगे नहीं जा पा रहे, तो हम यहीं बैठे हुए हैं। क्या हुआ? जय बोले की, जय बोले की, जय बोले की, जय बोले की, जय बोले, जय बोले की, 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 बोलो हेलो, बोलो हेलो, हेलो, इग्नोर करेगा ऐसे? हेलो बोलो, हेलो, ओ ओ इग्नोर की दुकान। राजा आपको यहीं फेंक दूं, यहीं चिपका दूं, आपको चिपका दूं, कोई कुछ नहीं कहेगा, आपको डर नहीं लगेगा? नहीं दोस्तों, काफी सारी मतलब काफी ज्यादा लंबी लाइन है यहाँ पे, पता नहीं हमें कितनी दूर तक है। अरे कितनी दूर तक है बोलो, पता नहीं, पता नहीं। क्या कह रहा है? ओए क्या देखो रहा है? अरे देखो देखो, चल चल लाइन में चल रहे थे। जय बोले, मेरा मुंह क्यों दे रही है? बोलना उन्हें, जय कब जाएगा? ये देखो ऐसे होता है, हम वहाँ चढ़ाएंगे तो नीचे से लग जाएगा। दोस्तों हम लोगों को फाइनली दर्शन हो चुके हैं, हम लोग गाइस हम लोगों को दर्शन हो चुके हैं बढ़िया से। अब हम बाहर निकलते हैं, नीचे चलते हैं, देखते हैं। देखो टाइम भी तो हो रहा है, इसके हिसाब से निकलना पड़ेगा ना, 11:05 हो रहा है। नीलकंठ के दर्शन हो गए हैं, अब हम एग्जिट कर रहे हैं। वो जा रहा मेरा भैया बच्चों के साथ, बदली चलती रहती है। क्या कह रही है? मैं शादी लेना है और यशु के लिए भी मुझे कुछ चीजें लेनी है। गाड़ी वाला वेट कर रहा है, मिल जाएगा ना हरिद्वार में भी। तो हम लोगों का सफर खत्म होता है, हम नीलकंठ मंदिर से एग्जिट ले रहे हैं। बस हम जाने का रास्ता हम देख रहे हैं, घर जाके घर जाते हैं, रास्ता देखते हैं कहाँ से निकलते हैं, अब देखते हैं हम क्या करते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी। अब हमने गाड़ी पकड़नी है अपनी वापसी। चुन्नी ऐसे उड़ के आएगी तू? नहीं नहीं नहीं, फिर बोलेगी मुझे ऐसे ले लिया। निकल रहे हैं घर के लिए। तो दोस्तों हमारी ट्रिप खत्म होती है अब, हम बहुत सच बताऊं मैं मजा नहीं है हम जो चाहते थे वो नहीं हुआ, मजा नहीं है। हम तो अब जो जो करने की सोच रहे थे कुछ नहीं कर पाए हम लोग, तो कुछ भी नहीं। देखो भाई ऋषिकेश में ना एक चीज है कि ना हम लोग, हम क्या कोई भी ना वीकेंड्स पे मत आओ, आना है तो वीकडेज पे आओ, क्योंकि यहाँ शनिवार संडे फ्राइडे ना बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है भाई। हम लोग आज राफ्टिंग करने की सोच रहे थे, पर राफ्टिंग भी नहीं कर पाए क्योंकि इतना ही जाम है यहाँ पे। अगर हम स्टार्ट करने की सोचते हैं ना, अभी तो 3:00 अभी तो, हम 6:00 तक भी भाई राफ्टिंग के लिए पहुँच नहीं पाएंगे, और कल मतलब आज रात में निकलना ही है हम लोगों को। तो बस इसलिए हम घर के लिए निकल रहे हैं, रेलवे स्टेशन जाके ट्रेन देखते हैं कौन सी है कौन सी नहीं है, उसके बाद सीधा अपना दिल्ली के लिए निकल रहे हैं। फिर एक दिन कभी वापस आएंगे हम ट्रैकिंग वगैरह के लिए, राफ्टिंग वगैरह के लिए एक दिन वापस आएंगे, ठीक है? तो दोस्तों जैसा भी आपको लॉग लगा, एक फुट क्या देखो, अच्छा लगता भाई।
तो दोस्तों अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, ब्लॉग लाइक कर देना। ट्रिप तो हमें अच्छी नहीं लगी भाई, देखो जनरली मज़ा नहीं आया, पर हम देख हम ना मज़ा लेने देख हम कुछ और वजह से आया था। देखो मैं तो वो तुम्हें बता नहीं सकता, वो पर्सनल चीज़ है। ठीक है भाई, धन्यवाद।